हाय गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू हॉल वीडियो और यूट्यूब वीडियो, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन सी। तो आज भी हॉल वीडियो बनाने जा रही हूँ मैं। वो हॉल वीडियो क्या सब्जेक्ट क्या है वो आपको नीचे थंबनेल में देख के पता चल गया होगा। और ये हॉल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इसलिए होगा क्योंकि अभी फेस्टिवल का मंथ भी चल रहा है, रमजान चल रहा है, नवरात्रि चल रही है और आगे समर की वेडिंग भी है, तो इससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो पूरा कंप्लीट करना आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और मेरे पास इतने सारे पैकेट हैं, दिस मच, टोटल 10 गार्मेंट्स है गाइस। गार्मेंट्स क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। तो टोटल 10 गार्मेंट्स है और अभी तक मैंने एक भी ड्रेस अनपैक नहीं किया है, ये खोला नहीं, ये आपके सामने ही मैं चेक करूंगी। ये ट्राई ऑन हॉल वीडियो होगा। कुर्तीज है, ऑल कुर्तीज ड्रेसेस, 3 पीस 2 पीस 1 पीस, एवरीथिंग इज हियर। तो अगर आप ऑफिस गोइंग हो उसके लिए हेल्पफुल होगा, अगर आप हाउस वाइफ हो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, अगर आप कॉलेज जाते हो तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, और अगर आप किसी मैरिज फंक्शन अटेंड कर रहे हो तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो पूरा देखना और चलो स्टार्ट करते हैं। पैकेट नंबर 1 मैं आपके सामने ही खोल दूँ। मैं एक्चुअली जो पिक्चर में था, ये देखो ये पिक्चर है, वो ये फैब्रिक नहीं है, ये है एक नॉर्मल अमेरिकन क्रेप। अगर आप जानते हो मुझे तो मैं एक टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ, तो मैं फैब्रिक के बारे में बहुत अच्छे से बता पाऊंगी। ये फैब्रिक वो नहीं है जो देख के मैंने ऑर्डर किया था, ये एक अमेरिकन क्रे फैब्रिक है जो मुश्किल से 22 रुपीज मीटर मिलेगा। और स्टिचिंग के जो कॉस्ट होंगे, ये स्टिच होने में इसमें लाइनिंग यूज नहीं कर रखा है तो स्टिच होना भी बहुत इजी होगा। और ये ज्यादा येलो बेस्ड था, ये ऑलिव ग्रीन बेस्ड ज्यादा मुझे दिख रहा है। इक्कत प्रिंट है इसमें, इक्कत प्रिंट वाली डिजाइन है। इक्कत प्रिंट फेमस है उड़ीसा में, तो वो डिजाइन है, इक्कत प्रिंट काफी इन है अभी। तो चलो ट्राई करते हैं, ये फुल लेंथ कुर्ती है, चलो ट्राई करते हैं। सिर्फ कुर्ती है और इसकी प्राइस क्या है यहाँ मैं डाल। हेलो गाइस, तो ये रहा कुर्ती का लुक। पहनने के बाद अच्छा दिख रहा है बट मैं इसे फैब्रिक के लिए इसे रिजेक्ट करूंगी, मैं नहीं लूंगी ये, क्योंकि मुझे क्रेप फैब्रिक, अमेरिकन क्रेप पसंद नहीं है, ये अमेरिकन क्रेप है। अगर क्रेप में कोई और फैब्रिक होता तो मैं वो ले लेती, क्रेप में भी डिफरेंट वेराइटीज आते हैं, तो ये मैं रिजेक्ट करूंगी। और जो पिक्चर में है वैसा दिख नहीं रहा। साइज मैंने मंगवा लिया है एल, मुझे एम मंगवाती तो भी अच्छा होता। और ये मैंने जीन्स के साथ पहना है, अच्छा दिख रहा है बट फैब्रिक के लिए मैं इसे रिजेक्ट करूंगी, आई थॉट कि कॉटन फैब्रिक। नेक्स्ट कुर्ती कुछ ऐसा है गाइज, ये टू पीस डिजाइन है, कलर आप देख रहे हो पर्पल है ये, और इसके साथ पैंट मिला है और काफ्तान स्टाइल है, शॉर्ट काफ्तान। चलो मैं पहन के दिखाती हूँ। हेलो, तो आ गई मैं, इसका पैंट है, पैंट अच्छा है, उप्स, बेल्ट दे रखा है, बेल्ट पूरा बैक साइड से नहीं है, ये सिर्फ फ्रंट साइड ही बेल्ट है और काफ्तान स्टाइल है। आप इसे जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसके साथ ही पहनो, आप जीन्स के साथ भी पहनोगे तो ये बहुत अच्छा लुक देगा। तो मेरे साइड से ये थम्स अप है। ये अपना बॉडी टाइप बताती हूँ कि मैं कितनी हाइट की हूँ और मेरी वेट क्या है। मेरी वेट है 67 किलो, और काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ गया मेरा, और मेरी हाइट है 5'3". अगर आप इस बॉडी शेप के हो और पियर शेप बॉडी के हो, पियर शेप बॉडी में मैं यह साइड में पिक्चर लगा देती हूँ, पियर शेप बॉडी कैसी होती है तो आप देख लोगे। अगर आप उस बॉडी के हो तो आप इसे साइज एम में ही मंगवाना, इस परफेक्ट लूज है, बहुत अच्छा है, कॉटन रियॉन है, आप कितनी बार भी वॉश करोगे ये खराब नहीं होगा। तो मेरे साइड से थम्स अप, जाओ शॉप कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अब वहां से बाय कर सकते हो। ओके, सब आपके सामने ही खोल के मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आने के बाद चेक भी नहीं किया है कि कैसा दिख रहा है और कैसा नहीं, तो आपके लिए भी इजी होगा कि पहले सूट करके दिखा दिया हो। ये लुक वाइज तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेट्स चेक। और इसे किस सेलिब्रिटी ने पहना है ये मैं यहाँ पिक्चर लगा देती हूँ। इसे पहन रखा है सारा अली खान ने, और मैंने साइज इसमें मंगवाया है एम,
ओ गिर गया सॉरी, ये पैंट दे रखा है और इसमें पॉकेट भी है गाइस, गुड। और ये दुपट्टा है, अभी तक तो बहुत अच्छा दिख रहा है। दुपट्टा चंदेरी का है और पैंट रियोन का है, स्लब रियोन, इसे स्लब रियोन कहते हैं। इस में टेक्सचर दिख रही है आपको, तो ये स्लब रियोन कहलाता है। ये इसे मैंने अभी जो पहन रखा वो रियोन है, प्लेन रियोन। अब 12 केजीज की वेट है इस फैब्रिक की, थोड़ी लाइट क्वालिटी की है और ये स्लब रियोन है। तो मैं इसे पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसा लुक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फेस्टिवल के लिए परफेक्ट है। अभी ईद भी है और चैती नवरात्रि भी चल रहा है, तो आप दोनों के लिए ये ले सकते हो। मेरे साइड से थम्स अप है, स्टॉक नहीं था, बहुत मुश्किल से मुझे ये मिला है और ये सारा अली खान ने पहन रखा है। तो आप देखो और ऑर्डर करो और मुझे भी देख के आप ऑर्डर कर सकते हो कि मैं कैसे दिख रही हूँ। ओके गाइस, सी रेडी टू गो, आप किसी भी फेस्टिवल में इसे पहन के जा सकते हो, परफेक्ट है समर के लिए। बस मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो ये लेस, वो तो मैं इसे काट के निकाल भी सकती हूँ और क्योंकि मुझे ये ऐसी लेस पसंद नहीं है। और एकदम परफेक्ट है गाइस, इसकी पैंट में भी डिटेलिंग दी हुई है, वो मैं बाद में दिखा दूंगी आपको। और एकदम परफेक्ट है, समर अप्रोप्रिएट है, आप इसे बिग थम्स अप दे सकते हो। और बिल्कुल वेट मत करो, जाओ और बाय कर लो गाइस, क्योंकि इसकी दुपट्टे की क्वालिटी भी अच्छी है, फैब्रिक का क्वालिटी भी अच्छा है। और किसी भी फेस्टिवल में, अभी जो भी है समर के फेस्टिवल, उसके लिए एकदम परफेक्ट है। एक झुमका डालो और मस्त सा एक हैंडबैग लो और जाओ, कहीं भी जा सकते हो, कोई भी पूजा में, चाहे वो ईद का फेस्टिवल हो या चाहे वो नवरात्रि का फेस्टिवल हो या कोई मैरिज में जाना हो, तो उसके लिए भी परफेक्ट है। क्योंकि अभी बहुत गर्मी होती है, अगर कोई भी मैरिज अभी होता है तो उसमें बहुत गर्मी होती है, तो उसके लिए अभी ये परफेक्ट है, परफेक्ट। इसका पैंट और ये सब भी बहुत परफेक्ट है, तो आप ले सकते हो गाइस, मेरे साइड से थम्स अप है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें पॉकेट है, आई लव पॉकेट, मुझे बिना पॉकेट के कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं लगती। तो मुझे हर एक ड्रेस में, जो मुझे जानता है मतलब मास्टर जी मेरे, उन्हें पता है कि मुझे बिना पॉकेट की ड्रेस पसंद नहीं है, तो इट्स परफेक्ट। हाय गाइस, मैंने उठा लिया है थी चौथा, ये आई थिंक फोर्थ नंबर ड्रेस है। चलो खोलते हैं कि ये क्या है। अभी दो ड्रेस, तीन ड्रेस में से दो तो एकदम परफेक्ट है, फोर्थ नंबर, लेट मी चेक। दो की फैब्रिक मुझे अच्छी लगी इसका, ओहो नॉट बैड। ये भी रियोन ही है गाइस, दिस इज ऑल्सो रियोन, ये 100% कॉटन, मेड इन इंडिया, गुड, वी लव इंडियन प्रोडक्ट, वोकल फॉर लोकल, नॉट बैड। ये भी समर के लिए परफेक्ट है, तो मैं ये आती हूँ पहन के और इसकी प्राइस और इस ड्रेस के बारे में बताती हूँ। हाय गाइस, आई एम बैक, सुपर्ब, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते इस कुर्ती को, मस्त है, इसकी डिटेलिंग मस्त है, मैंने जीन्स के साथ पहना। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो दिस इज परफेक्ट फॉर यू गाइज, और समर के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने साइज इसमें मंगवाया है एम और इसकी प्राइस है 399, मुझे 14 रुपीज डिस्काउंट मिला है, तो मुझे मिला है 385 में, और एकदम परफेक्ट है। ये रियोन फैब्रिक है, थोड़ी हेवी क्वालिटी की रियोन है, और इसमें पीछे शिफ्टिंग के लिए लूप भी दी गई है, आप चाहो तो इसे थोड़ा और अप कर सकते हो या डाउन कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे लूप दिया गया है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। और परफेक्ट, इसके कलर बहुत अच्छा है, ये बाटिक प्रिंट इसे कहते हैं, बट ये प्योर नहीं है, ये मशीन के थ्रू बनाया गया है। जो प्योर बाटिक प्रिंट होती है उसकी डिफरेंट स्टाइल होती है, ये डिजिटल प्रिंट के फॉर्म में से बाटिक प्रिंट की डिज़ाइन क्रिएट की गई है, तो इट्स परफेक्ट गाइस, मेरे तरफ से बिग थम्स अप, और प्राइस भी बहुत अच्छी है, तो आप इसे ले सकते हो, डोंट वेट गाइस। कितनी है फिफ्थ कुर्ती के साइज चलते हैं गाइस, मैं एकदम परफेक्ट रिव्यू दे रही हूँ, आपको लेना है या नहीं लेना है। ओहो हो, इसकी फैब्रिक देख के बहुत अच्छी लगती है, देख के ही बहुत अच्छी लग रही है गाइस, सी नो कमेंट्स, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, 100 में से 100 मार्क्स मिलेगा इस कुर्ती को। इसकी प्राइस भी बहुत कम है, इसके और भी कलर ऑप्शन है, मैं भी सारे कलर ऑप्शन ऑर्डर करने वाली हूँ, एकदम परफेक्ट है। अगर आप फैब्रिक भी बाय कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 140 रुपीज फैब्रिक का होता है, और इसमें 1.50 फैब्रिक्स लगने वाला है, तो ऑलमोस्ट
200 की फैब्रिक होगी और स्टिचिंग कराओगे तो भी जो इन्होंने रेट दिया है 266, आप वहीं से ले रहे हो, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, फैब्रिक बाय कर रहे हो फिर स्टिच करा रहे हो। एकदम परफेक्ट है, आप अगर ऑफिस गोइंग हो, सी मैं ऑफिस जाती हूँ तो मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट, मैं सारे कलर ऑर्डर करने वाली हूँ। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, अगर आप किसी, अगर आप मैरिड नहीं हो और अपने बॉयफ्रेंड के फैमिली से मिलने जा रहे हो तो भी आप पहन सकते हो गाइस। सॉरी जो कपाट, बहुत अच्छी कुर्ती है सीरियसली, इसकी हाइट भी कुर्ती की अच्छी है, हिप तक कवर हो रही है, बिल्कुल परफेक्ट हाइट है, ऑलमोस्ट आई थिंक 26 इंच की हाइट होगी। स्लीव बहुत अच्छा है, स्लीव में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है जो पिक्चर में है, देखो यहाँ पिक्चर लगा देती हूँ, वैसी नहीं है, थोड़ी ब्रॉड थी ये छोटी आ गई, इट्स ओके। और नेक भी, नेक लाइन भी बहुत अच्छा है, इसे नेहरू नेक कहते हैं, और डीप भी नेक की एकदम परफेक्ट है। तो मेरे साइड से थम्स अप। नंबर आया 6 कुर्ती का, ये मैंने थोड़ा फॉर के पहले देखा था क्योंकि सबसे पहले पार्सल यही आया था तो क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये कौन सा कुर्ती होगा। और ये कुर्ती काफ़ी फेमस है मिंत्रा में, तो ब्लैक है, फैब्रिक तो रियॉन दिख रहा है, फैब्रिक के फील्ड में काम कर रहे हो तो फैब्रिक पहचानना इज वेरी इजी, नॉट बैड। मुझे इसकी प्रिंट की टेक्निक, ये जो प्रिंट कर रखा है ना, रबर प्रिंट से कहते हैं, जो पिगमेंट से बन के बनाते हैं, टेबल प्रिंट भी कहते हैं इसे, सूरत में से टेबल प्रिंट कहते हैं, मैं सूरत से हूँ गाइस, दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, देखते हो मुझ पे कैसा लग रहा है। गाइस सी, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, सीरियसली मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। प्रिंट आप इसको टच नहीं करोगे, सामने से नहीं देखोगे तो ये कोई ब्लॉक प्रिंट नहीं नजर आएगा, कोई पिगमेंट कलर इस पर नहीं लगेगा कि पिगमेंटेड कलर है ये, कि लगेगा कि फैब्रिक की प्रिंट है, बट मुझ पे ये कुर्ती बहुत अच्छा लग रहा है, 10/10। और इसकी प्राइस ओनली 385, और मैंने साइज एम मंगवाया, परफेक्ट है मेरे लिए। और अगर आप पियर्स ए बॉडी हो, जो मैंने पहले भी बताया, तो उसके लिए परफेक्ट, क्योंकि ये जो साइज पियर्स ए बॉडी में क्या होता है, ये साइज ज़्यादा होती है, तो ऐसे वाले पैटर्न परफेक्ट है उनके लिए, वो पतले दिखते हैं। ये देखो पीछे का पोर्शन बहुत मस्त है, आई लव इट। ये भी रियॉन है फैब्रिक, बेसिकली रियॉन और कॉटन ही पहनते हैं समर में, तो एकदम परफेक्ट, 10/10, 100 में 100 पॉइंट्स। और मैं भी बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझ पर ये कलर बहुत सूट कर रहा है, मैं भी आपके सामने ही देख रही हूँ गाइस, तो 100 में 100। आप जाओ तो इसमें भी कलर है, एक मेहंदी है वो मैं लगा देती हूँ यहाँ पे, और एक ब्लैक ऑप्शन है, ब्लैक में जाओ, नहीं आप ऑलिव ग्रीन में भी जा सकते हो, मेहंदी कलर में भी जा सकते हो, बट दिस, और मरून भी है तो मरून में भी जा सकते हो, बट ब्लैक इज माई ऑल टाइम फेवरेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। गाइस 7वीं कुर्ती की नंबर आ गई, और मूड अभी तक ख़राब नहीं हुआ, सीरियसली ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने गलती कर दी ऑर्डर करके। ओहो, आई एम वेटिंग फॉर दिस, नॉट बैड, गाइस दिस इज पैरेट ग्रीन कलर, एंड ये 3-पीस सेट है विथ ब्यूटिफुल कॉटन दुपट्टा, ओहो परफेक्ट, एंड आई थिंक इस कुर्ती की हाइट 47 इंच होगी, बहुत अच्छी है, फैब्रिक अगेन रियॉन है, परफेक्ट, एंड सॉरी गिर गया था पैंट, और ये है पैंट, नॉट बैड, चलो पहन के दिखाते हैं। मैंने ये भी साइज एम मंगवाया गाइस, ये कलर बहुत अच्छा है, बस मैं ये लेस जो है ना ये निकलवाने वाली हूँ, मुझे ये लेस अच्छी नहीं लग रही है, और थोड़ा यहाँ पे ओपन होना चाहिए और एक हुक और काज होना चाहिए, ये अंगरखा स्टाइल है, ये अंगरखा है नहीं, पूरी स्टिच है, बस मुझे ये लेस की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं लगाई इन्होंने, इसे पॉम पॉम लेस कहते हैं, अदरवाइज ये समर के लिए सुपर्ब, आप इसे भी रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। आई थिंक मेरे पूरे
आई थिंक ये सबसे महंगी कुर्ती है मेरे इसमें। इसकी इसकी प्राइस है 737 और अवेलेबल है 757 में। मुझे 20 रुपीज़ डिस्काउंट मिला है। और सबसे महंगी मेरे सेट की कुर्ती, मेरे हॉल की कुर्ती, सबसे महंगी कुर्ती मेरे हॉल की यही है। थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इस कुर्ती को लेके, क्योंकि मुझे ये नेक अच्छा नहीं लग रहा है और इसकी लुक आप देखोगे फोटो में यहाँ लगा दे रही हूँ ऐसा दिख रहा है, बट मैं इसमें वैसे नहीं दिख रही हूँ। आई थॉट कि ये कॉटन होगा बट कॉटन नहीं, ये रियॉन है, तो इसका जो फ्लो आना चाहिए, और ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो है ये उरेब में दिख रहा है पिक्चर में, और यहाँ पे इन्होंने आप देख रहे हो इन्होंने यहाँ पे प्लेट्स मार दिया है, गदा मार दिया है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई डोंट लाइक इट। तो मेरे से कलर मुझे बहुत अच्छा लगा बट मैं इसे रिटर्न करने वाली हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उतनी मज़ा नहीं आई। गाइस नंबर आ गया है 7th प्रोडक्ट का, 7th नंबर ड्रेस का। ये कुछ पिंक कलर में है बट पिक्चर में मुझे ये थोड़ा लेवेंडर कलर दिखा था, बट ये है पिंक कलर। और ये 2-पीस सेट है। ओके ये भी रियॉन है। ये कुछ लुक पता है कैसे दे रहा है, आपने शार्क टैंक देखा उसमें हाउस ऑफ लखनवी है ना, वैसा लुक आ रहा है। आई थिंक ये पहनने के बाद अच्छा दिखेगा, बट ये डिटेलिंग जो दी हुई है इसमें, ये है मशीन एम्ब्रॉयडरी, और मैंने साइज इसे मंगवाया है एल, पता नहीं मुझे ये बटन्स अच्छे नहीं लग रहे। गाइस ये पहनने के बाद भी मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, शायद मैं इसे रखूँगी और मैं ये बटन्स यहाँ से हटा के दूसरे बटन्स लगा दूँगी। और इसके साथ पैंट है, मैंने पैंट नहीं पहना, मैंने जीन्स के साथ पहना है इसे। और यहाँ पे ऐसा क्रॉचेट लेस की डिटेलिंग दी गई है, और पैंट की क्वालिटी रियॉन है, तो इट्स नॉट बैड। और ये सी थ्रू भी नहीं है, आपको इसके नीचे लाइनिंग पहनने की रिक्वायर्ड नहीं है। आप नॉर्मल कुर्ती विद जीन्स भी पहन सकते हो, और इस पैंट के साथ भी पहन सकते हो, इस पैंट के साथ भी अच्छा दिखेगा। और अगर वाइट दुपट्टा है तो वाइट दुपट्टा ले लो। गाइस इस पीस का प्राइस है 572, जो कि वहाँ पे शो कर रहा है इतने प्राइस का, बट मुझे 60 रुपीज़ डिस्काउंट मिला है, तो मुझे मिला है 556 में। और इस ड्रेस का नाम है वुमेन एट्रैक्टिव लुक रियॉन कुर्ता सेट, कुर्ता पैंट सेट। ओके तो मैं लिंक तो डाल ही दूंगी विद कलर, ताकि आप इजीली बाय कर सकते हो। और मैं इसे मार्क्स दूंगी 10 में 9, सिर्फ बटन, एक मार्क सिर्फ बटन के लिए कटेगा, अदरवाइज आप ये ले सकते हो गाइज, अगर आप पिंक लवर हो। गाइज आ गया 8 नंबर प्रोडक्ट का टाइम, टोटल 10 कुर्ती उसमें से 8 नंबर आ भी गया और पता भी नहीं चला। और आज मैं मुझे सपोर्ट कर रही है अमायर आकाशव, हेलो हेलो सी जा, आज मुझे ये हेल्प कर रही है। कैसी हेल्प? खाने खाना ऑर्डर कर रही है ऑनलाइन और खा रही है। कर लिया मैंने, कर लिया अब चलो, मैं खाया भी नहीं, मैंने खाया भी नहीं, चलो मैं आती हूँ। ओके हाँ, मुझे थोड़ा ये अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये रियॉन है बट इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, रियॉन की नॉट गुड, आई एम डिसअपॉइंटेड। हमारे को मस्ती करनी है, इसे करने दो, मुझे मस्ती करना बहुत पसंद है भाई। ओके ये धोती सेट है गाइस, येलो है, येलो इज माय फेवरेट कलर, आई लव ऑल कलर्स, बट ये धोती सेट है, कुछ ऐसा है ये, वन ऑफ द फेवरेट कलर्स। और मैंने इसे साइज मंगवाया इसका एम। गाइस नो कमेंट्स, स्लीव अच्छा है बट ये फैब्रिक ही मुझे अच्छी नहीं लगी। और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 497 में अवेलेबल है, मुझे मिल रहा है 60 रुपीज़ डिस्काउंट के बाद 481 में। और अभी नवरात्रि चल भी रहा है, बिल्कुल परफेक्ट फॉर नवरात्रि, अगर आप गरबा करने जा रहे हो तो परफेक्ट फॉर, इस पर एक मस्त सा कच्छ वाला ऐसा जैकेट पहन लो कलरफुल, और जाओ गरबा रास करो, बहुत अच्छा है नवरात्रि के लिए। ऐसा लुक आ रहा है, एक यहाँ पे एक लटकन भी उन्होंने दिया है,
परफेक्ट फॉर नवरात्रि गाइस। मैं पूरा लुक नहीं दिखा पा रही हूँ, धोती है नीचे मस्त सी धोती, और मैंने एम मंगवाया फैब्रिक के अकॉर्डिंग। आई थिंक फैब्रिक वॉश करने के बाद शायद ये थोड़ा और पक्का फैब्रिक हो जाए, क्योंकि अभी ना थोड़ा अजीब सा दिख रहा है मुझे। रियॉन है, बट रियॉन में भी लो क्वालिटी वाले रियॉन आता है ना, वो है। फिनिशिंग अच्छी है, स्टिचिंग अच्छी है। ये सर, दिस इज द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट। मैं थक गई, सॉरी थकी हूँ, बट मज़ा आ रही है। और गाइस एक बात बताऊँ, लास्ट टॉप वाला वीडियो जो है ना, टॉप टॉप वाला वीडियो, वो बहुत मस्त आया है। उसका रिव्यू बहुत अच्छा है, उसकी वॉच टाइम बहुत अच्छी है। एक और बैक टू बैक मैंने लगा दिया, दिस इज सुपर्ब। गाइस ओवरसाइज टी शर्ट वाला वीडियो देख लेना, इसमें एक लेटर भी है। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, प्लीज लीव अ रिव्यू। अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नॉट बैड, आई एम सो हैप्पी। पक्का पहन के देखते हो, फिर मैं रिव्यू दूंगी इसका। दिस इज मस्ट सा कॉटन, ये रियॉन नहीं है। और ये थ्री पीस है गाइज, विथ कॉटन का पजामा एंड विथ कॉटन का दुपट्टा, और इसमें कोई एक्स्ट्रा, सॉरी सॉरी सॉरी, ओप्स ओप्स, आ मेरे कमर, मम्मी सॉरी, मेरे कमर, आज सुबह से मेरे कमर में दर्द हो रहा है और अभी मैं गिर झुक गई, मम्मी सो बट वीडियो के लिए कुछ भी। मैं डर गई, हार्ट अटैक दे दोगी। ये कुर्ता बहुत अच्छा है, इसका कट हाई कट है, यहाँ पे चेस्ट के पास से ही कट दे रखा है। और मैं पैंट नहीं पहन पा रही क्योंकि मुझे बैक वाली प्रॉब्लम हो रही है। ये पैंट बहुत अच्छा है, सिर्फ जो मैंने एक आपको फॉल दिखाया दुपट्टे में वही फॉल्ट है, कुछ फॉल्ट नहीं है। बहुत अच्छी प्रिंट है, प्रिंट की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, पाउडर ब्लू विद दिस पर्शियन ब्लू इज सुपर्ब। ये भी बाटिक प्रिंट कहलाता है बट प्योर नहीं है, ये भी डिजिटल प्रिंट के थ्रू हुआ है, तो परफेक्ट है गाइस। थ्री पीस दे रहे हैं आपको 5-5-6 रुपीस में, तो और क्या चाहिए, परफेक्ट। आप किसी भी ओकेजन में पहन सकते हो, नॉर्मल अभी जो समर की शादी मैरिज होती है उसमें पहन सकते हो, कॉलेज तो पहन के जा ही सकते हो, किटी पार्टी, लेडीज अगर आप किटी पार्टी में जाते हो तो वहाँ भी जा सकते हो। गाइस मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैंने पेन किलर भी खाया, सुबह से प्रॉब्लम है बट अभी भी मेरी सांसें चल रही है, इट्स ओके। बट मुझे ये ब्लॉग करना था, ये वीडियो बनानी थी, तो मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ। तो प्लीज़ आपको सारे ब्लॉग्स अच्छे लगे, पहले वाले भी दो हॉल वीडियो आप देख लेना, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना, किसी को भी चाहिए तो वो ले सकते हैं। और आते हैं गाइस इस नेक पे, ये नेक बहुत अच्छा है, जीरो नेक है बट स्लाइड कर दे रखा है, तो ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। गाइस मुझे सबसे अच्छी पता क्या लगी है, प्रिंट, आई लव दिस प्रिंट। और ये फैब्रिक, दिस कॉटन फैब्रिक, बल्क कॉटन, सुपर्ब सुपर्ब गाइस। और साइड में जो डिज़ाइन दे रखा है, साइड कट कुर्ती को एनहांस कर रहा है। आप जीन्स के साथ पहनो, वाइट जीन्स के साथ पहनो, वाइट पैंट के साथ पहनो और सेम पूरा एक साथ पहनो तो भी बहुत अच्छा दिखने वाला है। ये यू कांट रिजेक्ट दिस पीस गाइस, आप कुछ लो ना लो, ये वाले पीस तो अगर अवेलेबल है तो मैं लिंक डाल ही दूंगी, अगर अवेलेबल है तो फटाक से ले लो। दिस प्रिंट, ब्लैक प्रिंट, जो ब्लैक दिखाया वो ही बहुत अच्छा है, एंड द स्मॉल कुर्ती ब्लू वन, एंड दिस वन इज काफ्तान स्टाइल, एंड पिंक वन इज ऑल्सो नाइस। धोती वाले के लिए मैं थोड़ा मना करूँगी, एंड ग्रीन वाले के लिए मैं मना करूँगी। अदरवाइज ग्रीन में आपको अगर वैसे पैटर्न पसंद है तो आप ले सकते हो। मुझे आई थॉट कि ये उरेब है और कॉटन है, कॉटन रियॉन है, कॉटन नहीं है, तो आप उसे दो पीस को रिजेक्ट कर सकते हो और बाकी सारे पीस ले सकते हो। सब में मैं ओवरऑल मार्क्स 9 दूंगी, और जितनी कुर्ती के बारे में बोला ले सकते हो उसमें 10/10,
तो जाओ गाइज बहुत कम रेट का ले लो। हेलो गाइज अगेन मैं ये कहना चाहती हूँ थैंक्स फॉर लव योर सपोर्ट एंड गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो पहली बार देख रहे हैं और ढेर सारा प्यार दीजिए ढेर सारा। और जिन जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर रहे हैं। इसे देखो आज जिसने मेरे वीडियो में सपोर्ट किया है मेकअप करके आई है मेकअप उतारे और मेकअप निकल रहा था मैं काला काला और पता नहीं मिट नहीं रहा हेल्प करो मेरी हेल्प करो मेरी चलो हेल्प कर दो इसकी। और गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो गाइज डू ऑल द गुड थिंग्स ओके बाय गाइज टेक केयर हैव फन हैप्पी रमजान अभी रमजान का मन चल रहा है और हैप्पी चैती दुर्गा और मैरिज भी होने वाला है तो आप जल्दी जाओ गाइज लिंक सारे लिंक मैं डाल दूंगी ये ब्लॉग संडे को आएगा और 10 o'clock आप देख लेना बाय बाय टेक केयर गाइज।